वैकुंठ धाम में भगवान की स्थिति का वर्णन, योग माया द्वारा भगवान की स्तुति तथा भगवान के द्वारा सृष्टि रचना। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, त्रिपाद विभूति के असंख्य लोक बतलाए गए हैं, वे सब के सब शुद्ध सत्वमय, ब्रह्मानंदमय, सुख से परिपूर्ण, नित्य, निर्विकार, हेय गुणों से रहित, हिरणमय, शुद्ध, कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान, वेदमय, दिव्य तथा काम क्रोध आदि से रहित हैं। भगवान नारायण के चरण कमलों की भक्ति में ही रस लेने वाले पुरुष उनमें निवास करते हैं। वहां निरंतर सामगान की सुखदायिनी ध्वनि होती रहती है। वे सभी लोग उपनिषद स्वरूप, वेदमय तेज से युक्त तथा वेद स्वरूप स्त्री पुरुषों से भरे हैं। वेद के ही रस से भरे हुए सरोवर उनकी शोभा बढ़ाते हैं। श्रुति, स्मृति और पुराण आदि भी उन लोगों के स्वरूप हैं। उनमें दिव्य वृक्ष भी सुशोभित होते हैं। उनके विश्व विख्यात स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन मुझसे नहीं हो सकता। विरजा और परम व्योम के बीच का जो स्थान है, उसका नाम केवल है। वही अव्यक्त ब्रह्म के उपासकों के उपभोग में आता है। वह आत्मानंद का सुख प्रदान करने वाला है। उस स्थान को केवल, परम पद, निःश्रेयस, निर्वाण, कैवल्य और मोक्ष कहते हैं। जो महात्मा भगवान लक्ष्मीपति के चरणों की भक्ति और सेवा के रस का उपभोग करके पुष्ट हुए हैं, वे महान सौभाग्यशाली भगवत चरण सेवक पुरुष श्री विष्णु के परम धाम में जाते हैं, जो ब्रह्मानंद प्रदान करने वाला है। उसका नाम है वैकुंठ धाम। वह अनेक जनपदों से व्याप्त है। श्रीहरि उसी में निवास करते हैं। वह रत्नमय प्राकारों, विमानों तथा मणिमय महलों से सुशोभित है। उस धाम के मध्य भाग में दिव्य नगरी है, जो अयोध्या कहलाती है तथा जो चहार दीवारियों और ऊंचे दरवाजों से घिरी है। उनमें मणियों तथा सुवर्णों के चित्र बने हैं। उस अयोध्यापुरी के चार दरवाजे हैं तथा ऊंचे ऊंचे गोपुर उसकी शोभा बढ़ाते हैं। चंड आदि द्वारपाल और कुमुद आदि दिक्पाल उसकी रक्षा में रहते हैं। पूर्व के दरवाजे पर चंड और प्रचंड, दक्षिण द्वार पर भद्र और सुभद्र, पश्चिम द्वार पर जय और विजय तथा उत्तर के दरवाजे पर धाता और विधाता नामक द्वारपाल रहते हैं। कुमुद, कुमुदाक्ष, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनिद्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित, ये उस नगरी के दिक्पाल बताए गए हैं। पार्वती, उस पुरी में कोटि कोटि अग्नि के समान तेजोमय गृहों की पंक्तियां शोभा पाती हैं। उनमें तरुण अवस्था वाले दिव्य नर नारी निवास करते हैं। पुरी के मध्य भाग में भगवान का मनोहर अंतःपुर है, जो मणियों के प्राकार से युक्त और सुंदर गोपुर से सुशोभित है। उसमें भी अनेक अच्छे अच्छे गृह, विमान और प्रासाद हैं। दिव्य अप्सराएं और स्त्रियां सब ओर से उस अंतःपुर की शोभा बढ़ाती हैं। उसके बीच में एक दिव्य मंडप है, जो राजा का खास स्थान है। उसमें बड़े बड़े उत्सव होते रहते हैं। वह मंडप रत्नों का बना है तथा उसमें माणिक के हजारों खंभे लगे हैं। वह दिव्य मोतियों से व्याप्त है तथा सामगान से सुशोभित रहता है। मंडप के मध्य भाग में एक रमणीय सिंहासन है, जो सर्व वेद स्वरूप और शुभ है। वेदमय धर्मादि देवता उस सिंहासन को सदा घेरे रहते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य तथा ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेद भी मूर्तिमान होकर उस सिंहासन के चारों ओर खड़े रहते हैं। शक्ति, आधार शक्ति, चिच्छक्ति, सदाशिवा शक्ति तथा धर्मादि देवताओं की शक्तियां भी वहां उपस्थित रहती हैं। सिंहासन के मध्य भाग में अग्नि, सूर्य और चंद्रमा निवास करते हैं। कूर्म अर्थात कच्छप, नागराज अर्थात अनंत या वासुकी, तीनों वेदों के स्वामी, गरुड़, छंद और संपूर्ण मंत्र, ये उसमें पीठ रूप धारण करके रहते हैं। वह पीठ सब अक्षरों से युक्त है। उसे दिव्य योग पीठ कहते हैं। उसके मध्य भाग में अष्टदल कमल है, जो उदयकालीन सूर्य के समान कांतिमान है।
उसके बीच में सावित्री नाम की कर्णिका है, जिसमें देवताओं के स्वामी परम पुरुष भगवान विष्णु भगवती लक्ष्मी जी के साथ विराजमान होते हैं। भगवान का श्री विग्रह नील कमल के समान श्याम तथा कोटि सूर्यों के समान प्रकाशमान है। वे तरुण कुमार से जान पड़ते हैं। सारा शरीर चिकना है और प्रत्येक अवयव कोमल। खिले हुए लाल कमल जैसे हाथ तथा पैर अत्यंत मृदुल प्रतीत होते हैं। नेत्र विकसित कमल के समान जान पड़ते हैं। ललाट का निम्न भाग दो सुंदर भ्रू लताओं से अंकित है। सुंदर नासिका, मनोहर कपोल, शोभा युक्त मुख कमल, मोती के दाने जैसे दांत और मंद मुस्कान की छवि से युक्त मूंगे जैसे लाल लाल ओठ हैं। मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा की शोभा धारण करता है। कमल जैसे मुख पर मनोहर हास्य की छटा छाई रहती है। कानों में तरुण सूर्य की भांति चमकीले कुंडल उनकी शोभा बढ़ाते हैं। मस्तक चिकनी काली और घुंघराली अलकों से सुशोभित है। भगवान के बाल गुंथे हुए हैं, जिनमें पारिजात और मंदार के पुष्प शोभा पाते हैं। गले में कौस्तुभ मणि शोभा दे रही है, जो प्रातः काल उगते हुए सूर्य की कांति धारण करती है। भांति भांति के हार और सुवर्ण की मालाओं से शंख जैसी ग्रीवा बड़ी सुंदर जान पड़ती है। सिंह के कंधों के समान ऊंचे और मोटे कंधे शोभा दे रहे हैं। मोटी और गोलाकार चार भुजाओं से भगवान का श्रीअंग बड़ा सुंदर जान पड़ता है। सब में अंगूठी कड़े और भुजबंद हैं, जो शोभा वृद्धि के कारण हो रहे हैं। उनका विशाल वक्षस्थल करोड़ों बाल सूर्यों के समान तेजोमय कौस्तुभ आदि सुंदर आभूषणों से दैदीप्यमान है। वे वनमाला से विभूषित हैं। नाभि का वह कमल जो ब्रह्मा जी की जन्मभूमि है, श्री अंगों की शोभा बढ़ा रहा है। शरीर पर मुलायम पीतांबर सुशोभित है, जो बाल रवि की प्रभा के समान जान पड़ता है। दोनों चरणों में सुंदर कड़े विराज रहे हैं, जो नाना प्रकार के रत्नों से जड़े होने के कारण अत्यंत विचित्र प्रतीत होते हैं। नखों की श्रेणियां चांदनी युक्त चंद्रमा के समान उद्भासित हो रही हैं। भगवान का लावण्य कोटि कोटि कंदर्पों का दर्प दलन करने वाला है। वे सौंदर्य की निधि और अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले हैं। उनके सर्वांग में दिव्य चंदन का अनुलेप किया हुआ है। वे दिव्य मालाओं से विभूषित हैं। उनके ऊपर की दोनों भुजाओं में शंख और चक्र हैं तथा नीचे की भुजाओं में वरद और अभय की मुद्राएं हैं। भगवान के वामांक में महेश्वरी भगवती महालक्ष्मी विराजमान हैं। उनका श्रीअंग सुवर्ण के समान कांतिमान तथा गौर है। सोने और चांदी के हार उनकी शोभा बढ़ाते हैं। वे समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। उनकी अवस्था ऐसी है मानो शरीर में यौवन का आरंभ हो रहा है। कानों में रत्नों के कुंडल और मस्तक पर काली काली घुंघराली अलकें शोभा पाती हैं। दिव्य चंदन से चर्चित अंगों का दिव्य पुष्पों से श्रृंगार हुआ है। केशों में मंदार केतकी और चमेली के फूल गुंथे हुए हैं। सुंदर भौहें मनोहर नासिका और शोभायमान कटिभाग हैं। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख कमल पर मंद मुस्कान की छटा छा रही है। बाल रवि के समान चमकीले कुंडल कानों की शोभा बढ़ा रहे हैं। तपाए हुए सुवर्ण के समान शरीर की कांति और आभूषण है। चार हाथ हैं जो सुवर्णमय कमलों से विभूषित हैं। भांति भांति के विचित्र रत्नों से युक्त सुवर्णमय कमलों की माला, हार, केयूर, कड़े और अंगूठियों से श्री देवी सुशोभित हैं। उनके दो हाथों में दो कमल और शेष दो हाथों में मातुलुंग अर्थात बिजौरा और जाम्बू नद अर्थात धतूरा शोभा पा रहे हैं। इस प्रकार कभी विलग न होने वाली महालक्ष्मी के साथ महेश्वर भगवान विष्णु सनातन परम व्योम में सानंद विराजमान रहते हैं। उनके दोनों पार्श्वों में भूदेवी और लीला देवी बैठी रहती हैं। आठों दिशाओं में अष्टदल कमल के एक एक दल पर क्रमशः विमला आदि शक्तियां सुशोभित होती हैं। उनके नाम ये हैं: विमला, उत्कर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया,
योगा, प्रह्मी, सत्या तथा ईशाना, ये सब परमात्मा श्री हरि की पटरानियां हैं जो सब प्रकार के सुंदर लक्षणों से संपन्न है। ये अपने हाथों में चंद्रमा के समान श्वेत वर्ण के दिव्य चंवर लेकर उनके द्वारा सेवा करती हुई अपने पति श्री हरि को आनंदित करती हैं। इनके सिवा दिव्य अप्सराएं तथा 500 युवती स्त्रियां भगवान के अंतःपुर में निवास करती हैं, जो सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित कोटि अग्नियों के समान तेजस्विनी, समस्त शुभ लक्षणों से युक्त तथा चंद्रमुखी हैं। उन सब के हाथों में कमल के पुष्प शोभा पाते हैं। उन सब से घिरे हुए महाराज परम पुरुष श्री हरि की बड़ी शोभा होती है। अनंत अर्थात शेषनाग, गरुड़ तथा सेनानी आदि देवेश्वरों, अन्यान्य पार्षदों तथा नित्य मुक्त भक्तों से सेवित हो रमा सहित परम पुरुष श्री विष्णु भोग और ऐश्वर्य के द्वारा सदा आनंद मग्न रहते हैं। इस प्रकार वैकुंठ धाम के अधिपति भगवान नारायण अपने परम पद में रमण करते हैं। पार्वती, अब मैं भगवान के भिन्न भिन्न व्यूहों और लोकों का वर्णन करता हूं। वैकुंठ धाम के पूर्व भाग में श्री वासुदेव का मंदिर है। अग्निकोण में लक्ष्मी का लोक है। दक्षिण दिशा में श्री संकर्षण का भवन है। नैऋत्य कोण में सरस्वती देवी का लोक है। पश्चिम दिशा में श्री प्रद्युम्न का मंदिर है। वायव्य कोण में रति का लोक है। उत्तर दिशा में श्री अनिरुद्ध का स्थान है और ईशान कोण में शांति लोक है। भगवान के परम धाम को सूर्य, चंद्रमा और अग्नि नहीं प्रकाशित करते। कठोर व्रतों का पालन करने वाले योगी जन वहां जाकर फिर इस संसार में नहीं लौटते। जो दो नामों के एक मंत्र लक्ष्मी नारायण के जप में लगे रहते हैं, वे निश्चय ही उस अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। मनुष्य अनन्य भक्ति के साथ उक्त मंत्र का जप करके उस सनातन दिव्य धाम को अनायास ही प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए वह पद जैसा सुगम होता है, वैसा वेदों के अध्ययन, यज्ञ, दान, शुभ व्रत, तपस्या, उपवास तथा अन्य साधनों से भी नहीं होता। त्रिपाद विभूति में जहां भगवान परमेश्वर भगवती लक्ष्मी जी के साथ सदा आनंद का अनुभव करते हैं, वहां संसार की आश्रय भूता महामाया ने हाथ जोड़कर प्रकृति के साथ उनकी भांति भांति से स्तुति करके कहा, केशव, इन जीवों के लिए लोक और शरीर प्रदान कीजिए। सर्वज्ञ, आप पूर्व कल्पों की भांति अपनी लीलामयी विभूतियों का विस्तार कीजिए। जड़ चेतनमय संपूर्ण चराचर जगत अज्ञान अवस्था में पड़ा है, आप लीला विस्तार के लिए इस पर दृष्टिपात कीजिए। परमेश्वर, मेरे तथा प्रकृति के साथ जगत की सृष्टि कीजिए। धर्म अधर्म, सुख दुख सबका संसार में प्रवेश करा के आप मुझे अपनी आज्ञा में रखकर शीघ्र ही लीला आरंभ कीजिए। श्री महादेव जी कहते हैं, माया देवी के इस प्रकार कहने पर परमेश्वर ने उसके भीतर जगत की सृष्टि आरंभ की। जो प्रकृति से परे पुरुष कहलाते हैं, वे अच्युत भगवान विष्णु ही प्रकृति में प्रविष्ट हुए। ब्रह्म स्वरूप श्री हरि ने प्रकृति से महत तत्व को उत्पन्न किया, जो सब भूतों का आदि कारण है। महत से अहंकार का जन्म हुआ। यह अहंकार सत्वादि गुणों के भेद से तीन प्रकार का है, सात्विक, राजस और तामस। विश्व भावन परमात्मा ने उन गुणों से अर्थात तामस अहंकार से तन्मात्राओं को उत्पन्न किया। तन्मात्राओं से आकाश आदि पंच महाभूत प्रकट हुए, जिनमें क्रमशः एक एक गुण अधिक है। आकाश से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये ही क्रमशः आकाश आदि पंचभूतों के प्रधान गुण हैं। महाप्रभु श्री हरि ने उत्तरोत्तर भूतों में अधिक गुण देख उन सबको लेकर एक में मिला दिया तथा सबके मेल से महान विश्व ब्रह्मांड की सृष्टि की। उसी में पुरुषोत्तम ने 14 भुवन तथा ब्रह्मादि देवताओं को उत्पन्न किया। पार्वती, दैव, तिर्यक, मानव और स्थावर
यह चार प्रकार का महासर्ग रचा गया। इन चारों सर्गों अथवा योनियों में जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं। देव सर्ग तथा भगवान के चतुर्व्यूह का वर्णन। पार्वती जी ने कहा, भगवन परम उत्तम देव सर्ग का विस्तार के साथ वर्णन कीजिए, साथ ही भगवान के अवतारों की कथा भी विस्तृत रूप से कहिए। श्री महादेव जी बोले, देवी सृष्टि की इच्छा रखने वाले भगवान मधुसूदन ने योग निद्रा को प्राप्त होकर माया के साथ चिरकाल तक रमण किया। उससे कालात्मा को जन्म दिया, जो कला, काष्ठा, मुहूर्त, पक्ष और मास आदि के रूप में उपलब्ध होता है। उस समय श्री हरि का नाभि कमल, जो संपूर्ण जगत का बीज और परम तेजस्वी था, मुकुलाकार हो विकसित होने लगा। उसी से परम बुद्धिमान ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उनके मन में रजोगुण की प्रेरणा से सृष्टि की इच्छा उत्पन्न हुई। तब उन्होंने योग निद्रा में सोए हुए परमेश्वर का स्तवन किया। ब्रह्मा जी के स्तवन करने पर समस्त इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु योग निद्रा से उठ गए। योग निद्रा को काबू में करके उन्होंने जगत की सृष्टि आरंभ की। जगत के स्वामी श्री अच्युत ने पहले एक क्षण तक कुछ विचार किया। विचार के पश्चात उन्होंने संपूर्ण जगत की सृष्टि की। उस समय सब लोकों से युक्त सुवर्णमय अंड को, सात द्वीप, सात समुद्र और पर्वतों सहित पृथ्वी को तथा एक अंड कटाह को भी भगवान ने अपने नाभि कमल से उत्पन्न किया। तत्पश्चात उस अंड में श्री हरि स्वयं ही स्थित हुए। तदनंतर नारायण ने अपने मन से इच्छानुसार ध्यान किया। ध्यान के अंत में उनके ललाट से पसीने की बूंद प्रकट हुई। वह बूंद बुदबुदे के आकार में परिणत हो तत्क्षण पृथ्वी पर गिर पड़ी। पार्वती, उसी बुदबुदे से मैं उत्पन्न हूं। उस समय रुद्राक्ष की माला और त्रिशूल हाथ में लेकर जटामय मुकुट से अलंकृत हो मैंने विनय पूर्वक देवेश्वर श्री विष्णु से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब भगवान नारायण ने प्रसन्नता पूर्वक मुझसे कहा, रुद्र, तुम संसार का भयंकर संहार करने वाले होगे। इस प्रकार मैं भयंकर आकृति में जगत का संहार करने के लिए ही भगवान नारायण के श्री अंग से उत्पन्न हुआ। जनार्दन ने मुझे संहार के कार्य में नियुक्त करके पुनः अपने नेत्रों से अंधकार दूर करने वाले चंद्रमा और सूर्य को उत्पन्न किया। फिर कानों से वायु और दिशाओं को, मुख कमल से इंद्र और अग्नि को, नासिका के छिद्रों से वरुण और मित्र को, भुजाओं से साध्य और मरुद्गणों सहित संपूर्ण देवताओं को, रोमकूपों से वन और औषधियों को तथा त्वचा से पर्वत, समुद्र और गाय आदि पशुओं को प्रकट किया। भगवान के मुख से ब्राह्मण, दोनों भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य तथा दोनों चरणों से शूद्र जाति की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करके देवेश्वर श्री कृष्ण ने उसे अचेतन रूप में स्थित देख स्वयं ही विश्व रूप से उसके भीतर प्रवेश किया। श्री हरि की शक्ति के बिना संसार हिलडुल नहीं सकता, इसलिए सनातन श्री विष्णु ही संपूर्ण जगत के प्राण हैं। वे ही अव्यक्त रूप में स्थित होने पर परमात्मा कहलाते हैं। वे षडविध ऐश्वर्य से परिपूर्ण सनातन वासुदेव हैं। वे अपने तीन गुणों से चार स्वरूपों में स्थित होकर जगत की सृष्टि करते हैं। प्रद्युम्न रूपधारी भगवान सब ऐश्वर्यों से युक्त हैं। वे ब्रह्मा, प्रजापति, काल तथा जीव सबके अंतर्यामी होकर सृष्टि का कार्य भलीभांति सिद्ध करते हैं। महात्मा वासुदेव ने उन्हें इतिहास सहित संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्रदान किया है। लोक पितामह ब्रह्मा जी प्रद्युम्न के ही अंशभागी हैं। वे संसार की सृष्टि और पालन भी करते हैं। भगवान अनिरुद्ध शक्ति और तेज से संपन्न हैं। वे मनुओं, राजाओं, काल तथा जीव के अंतर्यामी होकर सबका पालन करते हैं। संकर्षण महाविष्णु रूप हैं। उनमें विद्या और बल दोनों हैं। वे संपूर्ण भूतों के काल, रुद्र और यम के अंतर्यामी होकर जगत का संहार करते हैं। मत्स्य, कूर्म, वाराह,
नृसिंह, वामन, परशुराम, श्रीराम, श्रीकृष्ण, बुद्ध और कल्कि, ये 10 भगवान विष्णु के अवतार हैं। पार्वती, श्री हरि की उस अवस्था का वर्णन सुनो। परम श्रेष्ठ वैकुंठ लोक विष्णु, ये 4 व्यूह महर्षियों द्वारा बताए गए हैं। वैकुंठ लोक जल के घेरे में है, वह कारण रूप और शुभ है। उसका तेज कोटि अग्नियों के समान उद्दीप्त रहता है। वह संपूर्ण धर्मों से युक्त और अविनाशी है। परम धाम का जैसा लक्षण बताया गया है, वैसा ही उसका भी है। नाना प्रकार के रत्नों से उद्भासित वैकुंठ नगर चंड आदि द्वारपालों और कुमुद आदि दिक्पालों से सुरक्षित है। भांति भांति की मणियों से बने हुए दिव्य गृहों की पंक्तियों से वह नगर घिरा हुआ है। उसकी चौड़ाई 55 योजन तथा लंबाई 1000 योजन है। करोड़ों ऊंचे ऊंचे महल उसकी शोभा बढ़ाते हैं। वह नगर तरुण अवस्था वाले दिव्य स्त्री पुरुषों से सुशोभित है। वहां की स्त्रियां और पुरुष समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिखाई देते हैं। स्त्रियों का रूप भगवती लक्ष्मी के समान होता है और पुरुषों का भगवान विष्णु के समान। वे सब प्रकार आभूषणों से विभूषित होते हैं तथा भक्ति जनित मनोरम आह्लाद से सदा आनंद मग्न रहते हैं। उनका भगवान विष्णु के साथ अविच्छिन्न संबंध बना रहता है। वे सदा उनके समान ही सुख भोगते हैं। जहां कहीं से भी श्री हरि के लोक में प्रविष्ट हुए शुद्ध अंतःकरण वाले मानव फिर संसार में जन्म नहीं लेते। मनीषी पुरुष भगवान विष्णु के दास भाव को ही मोक्ष कहते हैं। उनकी दासता का नाम बंधन नहीं है। भगवान के भक्त तो सब प्रकार के बंधनों से मुक्त और रोग शोक से रहित होते हैं। ब्रह्मलोक तक के प्राणी पुनः संसार में आकर जन्म लेते, कर्मों के बंधन में पड़ते और दुखी तथा भयभीत होते हैं। पार्वती, उन लोकों में जो फल मिलता है वह बड़ा आयास साध्य होता है। वहां का सुख भोग विष मिश्रित मधुर अन्न के समान है। जब पुण्य कर्मों का क्षय हो जाता है तब मनुष्यों को स्वर्ग में स्थित देख देवता कुपित हो उठते हैं और उसे संसार के कर्म बंधन में डाल देते हैं। इसलिए स्वर्ग का सुख बड़े क्लेश से सिद्ध होता है। वह अनित्य, कुटिल और दुख मिश्रित होता है, इसलिए योगी पुरुष उसका परित्याग कर दे। भगवान विष्णु सब दुखों की राशि का नाश करने वाले हैं, अतः सदा उनका स्मरण करना चाहिए। भगवान का नाम लेने मात्र से मनुष्य परम पद को प्राप्त होते हैं। इसलिए पार्वती, विद्वान पुरुष सदा भगवान विष्णु के लोक को पाने की इच्छा करें। भगवान दया के सागर हैं, अतः अनन्य भक्ति के साथ उनका भजन करना चाहिए। वे सर्वज्ञ और गुणवान हैं, निस्संदेह सबकी रक्षा करते हैं। जो परम कल्याणकारक और सुखमय अष्टाक्षर मंत्र का जप करता है वह सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। वहां भगवान श्रीहरि सहस्त्रों सूर्यों की किरणों से सुशोभित दिव्य विमान पर विराजमान रहते हैं। उस विमान में मणियों के खंभे शोभा पाते हैं। उसमें एक सुवर्णमय पीठ है जिसे आधार शक्ति आदि ने धारण कर रखा है तथा जो भांति भांति के रत्नों का बना हुआ एवं अलौकिक है। उसमें अनेकों रंग जान पड़ते हैं। पीठ पर अष्टदल कमल है जिस पर मंत्रों के अक्षर और पद अंकित हैं। उसकी सुरम्य कर्णिका में लक्ष्मी बीज का शुभ अक्षर अंकित है। उसमें कमल के आसन पर दिव्य विग्रह भगवान श्री नारायण विराजमान हैं, जो अरबों खरबों बाल सूर्यों के समान कांति धारण करते हैं। उनके दाहिने पार्श्व में सुवर्ण के समान कांतिमती जगन माता श्री लक्ष्मी विराजती हैं, जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न और दिव्य मालाओं से सुशोभित हैं। उनके हाथों में सुवर्ण पात्र, मातुलुंग और सुवर्णमय कमल शोभा पाते हैं। भगवान के वाम भाग में भूदेवी विराजमान हैं, जिनकी कांति नील कमल दल के समान श्याम है। वे नाना प्रकार के आभूषणों और विचित्र वस्त्रों से विभूषित हैं। उनके ऊपर के हाथों में 2 लाल कमल हैं और नीचे के 2 हाथों में उन्होंने 2 धान्य पात्र धारण कर रखे हैं। विमला आदि शक्तियां दिव्य चमर लेकर कमल के 8 दलों में स्थित हो भगवान की सेवा करती हैं।
वे सभी समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न हैं। भगवान श्री हरि उन सबके बीच में विराजते हैं। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म शोभा पाते हैं। भगवान केयूर, अंगद और हार आदि दिव्य आभूषणों से विभूषित हैं। उनके कानों में उदयकालीन सूर्य के समान तेजोमय कुंडल झिलमिला रहे हैं। पूर्वोक्त देवता उन परमेश्वर की सेवा में सदा संलग्न रहते हैं। इस प्रकार नित्य वैकुंठ धाम में भगवान सब भोगों से संपन्न हो नित्य विराजमान रहते हैं। वह परम रमणीय लोक अष्टाक्षर मंत्र का जप करने वाले सिद्ध मनीषी पुरुषों तथा श्री विष्णु भक्तों को प्राप्त होता है। पार्वती, इस प्रकार मैंने तुमसे प्रथम व्यूह का वर्णन किया। इसी प्रकार वैष्णव लोक, श्वेत द्वीप और क्षीर सागर निवासी द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ व्यूह का वर्णन करके श्री शिव जी ने कहा, पार्वती अब और क्या सुनना चाहती हो? देवी, भगवान पुरुषोत्तम में तुम्हारी भक्ति है, इसलिए तुम धन्य और कृतार्थ हो। मत्स्य और कूर्म अवतारों की कथा, समुद्र मंथन से लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव और एकादशी द्वादशी का महात्म्य। पार्वती जी ने कहा, महेश्वर अब मुझसे भगवान के वैभव, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी बोले, देवी एकाग्र चित्त होकर सुनो, मैं श्री हरि के वैभव, मत्स्य, कूर्म आदि अवतारों का वर्णन करता हूं। जैसे एक दीपक से दूसरे अनेक दीपक जला लिए जाते हैं, उसी प्रकार एक परमेश्वर के अनेक अवतार होते हैं। उन अवतारों के परावस्थ, व्यूह और विभव आदि अनेक भेद हैं। भगवान विष्णु के अनेक शुभ अवतार बताए गए हैं। ब्रह्मा जी ने भृगु, मरीचि, अत्रि, दक्ष, कर्दम, पुलस्त्य, पुलह, अंगिरा तथा क्रतु, इन नौ प्रजापतियों को उत्पन्न किया। इनमें मरीचि ने कश्यप को जन्म दिया। कश्यप के चार स्त्रियां थीं, अदिति, दिति, कद्रु और विनता। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ। दिति ने तमोगुणी पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महान असुर हुए। उनके नाम इस प्रकार हैं, मकर, हयग्रीव, महाबली हिरण्याक्ष, हिरण्यकश्यप, जंभ और मय आदि। मकर बड़ा बलवान था। उसने ब्रह्मलोक में जाकर ब्रह्मा जी को मोहित करके उनसे संपूर्ण वेद ले लिए। इस प्रकार श्रुतियों का अपहरण करके वह महासागर में घुस गया। फिर तो सारा संसार धर्म से शून्य हो गया। वर्ण संकर संतान उत्पन्न होने लगी। स्वाध्याय, वशटकार और वर्णाश्रम धर्म का लोप हो गया। तब ब्रह्मा जी ने संपूर्ण देवताओं के साथ क्षीर सागर पर भगवान की शरण में जाकर मकर दैत्य के द्वारा अपहरण किए हुए वेदों का उद्धार करने के लिए उनका स्तवन किया। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती ब्रह्मा जी के इस प्रकार प्रार्थना करने पर संपूर्ण इंद्रियों के स्वामी परमेश्वर श्री विष्णु मत्स्य रूप धारण करके महासागर में प्रविष्ट हुए। उन्होंने उस अत्यंत भयंकर मकर नामक दैत्य को थुथुन के अग्रभाग से विदीर्ण करके मार डाला और अंग उपांगों सहित संपूर्ण वेदों को लाकर ब्रह्मा जी को समर्पित कर दिया। इस प्रकार उन्होंने मत्स्यावतार के द्वारा संपूर्ण देवताओं की रक्षा की। वेदों को लाकर श्री हरि ने तीनों लोकों का भय दूर किया, धर्म की प्राप्ति कराई और देवताओं तथा सिद्धों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए वे वहां से अंतर्ध्यान हो गए। प्रिय, अब मैं श्री विष्णु के कूर्मावतार संबंधी विश्व वंदित वैभव का वर्णन करूंगा। महर्षि अत्रि के पुत्र दुर्वासा बड़े ही तेजस्वी मुनि हुए। वे महान तपस्वी, अत्यंत क्रोधी तथा संपूर्ण लोकों को क्षोभ में डालने वाले हैं। एक समय की बात है, वे देवराज इंद्र से मिलने के लिए स्वर्गलोक में गए। उस समय इंद्र ऐरावत हाथी पर आरूढ़ हो संपूर्ण देवताओं से पूजित होकर कहीं जाने के लिए उद्यत थे। उन्हें देखकर महातपस्वी दुर्वासा का मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने विनीत भाव से देवराज को एक पारिजात की माला भेंट की। देवराज ने उसे लेकर हाथी के मस्तक पर डाल दिया और स्वयं नंदन वन की ओर चल दिए। हाथी मद से उन्मत्त हो रहा था। उसने सूंड से उस माला को उतार लिया और मसलते हुए तोड़कर जमीन पर फेंक दिया।
इससे दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और उन्होंने शाप देते हुए कहा, देवराज, तुम त्रिभुवन की राजलक्ष्मी से संपन्न होने के कारण मेरा अपमान करते हो, इसलिए तीनों लोकों की लक्ष्मी नष्ट हो जाएगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। दुर्वासा के इस प्रकार शाप देने पर इंद्र पुनः अपने नगर को लौट गए। तत्पश्चात जगन माता लक्ष्मी अंतर्धान हो गईं। ब्रह्मा आदि देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर, दैत्य, दानव, नाग, मनुष्य, राक्षस, पशु, पक्षी तथा कीट आदि जगत के समस्त चराचर प्राणी दरिद्रता के मारे दुख भोगने लगे। सब लोगों ने भूख प्यास से पीड़ित होकर ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा, भगवन, तीनों लोग भूख प्यास से पीड़ित हैं। आप सब लोगों के स्वामी और रक्षक हैं, अतः हम आपकी शरण में आए हैं। देवेश, आप हमारी रक्षा करें। ब्रह्मा जी बोले, देवता, दैत्य, गंधर्व और मनुष्य आदि प्राणियों, सुनो, इंद्र के अनाचार से ही यह सारा संकट उपस्थित हुआ है। उन्होंने अपने बर्ताव से महात्मा दुर्वासा को कुपित कर दिया है। उन्हीं के क्रोध से आज तीनों लोगों का नाश हो रहा है। जिनकी कृपा कटाक्ष से सब लोग सुखी होते हैं, वे जगन माता महालक्ष्मी अंतर्धान हो गई हैं। जब तक वे अपनी कृपा दृष्टि से नहीं देखेंगी, तब तक सब लोग दुखी ही रहेंगे। इसलिए हम सब लोग चलकर क्षीर सागर में विराजमान सनातन देव भगवान नारायण की आराधना करें। उनके प्रसन्न होने पर ही संपूर्ण जगत का कल्याण होगा। ऐसा निश्चय करके ब्रह्मा जी संपूर्ण देवताओं और भृगु आदि महर्षियों के साथ क्षीर सागर पर गए और विधि पूर्वक पुरुष सूक्त के द्वारा उनकी आराधना करने लगे। उन्होंने अनन्य चित्त होकर अष्टाक्षर मंत्र का जप और पुरुष सूक्त का पाठ करके परमेश्वर का ध्यान करते हुए उनके लिए हवन किया तथा दिव्य स्तोत्रों से स्तवन और विधिवत नमस्कार किया। इससे प्रसन्न होकर भगवान ने सब देवताओं को दर्शन दिया और कृपा पूर्वक कहा, देवगण, मैं वर देना चाहता हूं, तुम लोग इच्छा अनुसार वर मांगो। यह सुनकर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता हाथ जोड़कर बोले, भगवन, दुर्वासा मुनि के शाप से तीनों लोक संपत्तिहीन हो गए हैं। पुरुषोत्तम, इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं। श्री भगवान बोले, देवताओं, अत्रि कुमार दुर्वासा मुनि के शाप से भगवती लक्ष्मी अंतर्धान हो गई हैं। अतः तुम लोग मंदराचल पर्वत को उखाड़कर क्षीर समुद्र में रखो और उसे मथानी बना नागराज वासुकी को रस्सी की जगह उसमें लपेट दो। फिर दैत्य, गंधर्व और दानवों के साथ मिलकर समुद्र का मंथन करो। तत्पश्चात जगत की रक्षा के लिए लक्ष्मी प्रकट होंगी। उनकी कृपा दृष्टि पड़ते ही तुम लोग महान सौभाग्यशाली हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मैं ही कूर्म रूप से मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण करूंगा तथा मैं ही संपूर्ण देवताओं में प्रवेश करके अपनी शक्ति से उन्हें बलिष्ठ बनाऊंगा। भगवान के ऐसा कहने पर ब्रह्मा आदि संपूर्ण देवता उन्हें साधुवाद देने लगे। उनकी स्तुति सुनते हुए भगवान अच्युत वहां से अंतर्धान हो गए। तदनंतर संपूर्ण देवता और महाबली दानव आदि ने मंदराचल पर्वत को उखाड़ कर क्षीर सागर में डाला। इसी समय अमित पराक्रमी भूतभावन भगवान नारायण ने कछुए के रूप में प्रकट होकर उस पर्वत को अपनी पीठ पर धारण किया तथा एक हाथ से उन सर्वव्यापी अविनाशी प्रभु ने उसके शिखर को भी पकड़ रखा था। तदनंतर देवता और असुर मंदराचल पर्वत में नागराज वासुकी को लपेटकर क्षीर सागर का मंथन करने लगे। जिस समय महाबली देवता लक्ष्मी को प्रकट करने के लिए क्षीर सागर को मथने लगे, उस समय संपूर्ण महर्षि उपवास करके मन और इंद्रियों के संयम पूर्वक श्री सूक्त और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करने लगे। शुद्ध एकादशी तिथि को समुद्र का मंथन आरंभ हुआ। उस समय लक्ष्मी के प्रादुर्भाव की अभिलाषा रखते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों और मुनिवरों ने भगवान लक्ष्मी नारायण का ध्यान और पूजन किया। उस मुहूर्त में सबसे पहले कालकूट नामक महाभयंकर विष प्रकट हुआ, जो बहुत बड़े पिंड के रूप में था। वह प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत भयंकर जान पड़ता था। उसे देखते ही संपूर्ण देवता और दानव भय से व्याकुल हो भाग चले।
उन्हें भय से पीड़ित हो भागते देख मैंने उन सबको रोक कर कहा, देवताओं इस विष से भय न करो, इस कालकूट नामक महान विष को मैं अभी अपना आहार बना लूंगा। मेरी बात सुनकर इंद्र आदि संपूर्ण देवता मेरे चरणों में पड़ गए और साधु साधु कहकर मेरी स्तुति करने लगे। उधर मेघ के समान काले रंग वाले उस महाभयानक विष को प्रकट हुआ देख मैंने एकाग्र चित्त से अपने हृदय में सर्व दुखहारी भगवान नारायण का ध्यान किया और उनके तीन नाम रूपी महामंत्र का भक्तिपूर्वक जप करते हुए उस भयंकर विष को पी लिया। सर्वव्यापी श्री विष्णु के तीन नामों के प्रभाव से उस लोक संहारकारी विष को मैंने अनायास ही पचा लिया। अच्युत, अनंत और गोविंद, ये ही श्री हरि के तीन नाम हैं, जो एकाग्रचित्त हो इनके आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः तथा ओम गोविंदाय नमः इस रूप में भक्ति पूर्वक जप करता है, उसे विष, रोग और अग्नि से होने वाली मृत्यु का महान भय नहीं प्राप्त होता। जो इस तीन नाम रूपी महामंत्र का एकाग्रता पूर्वक जप करता है उसे काल और मृत्यु से भी भय नहीं होता। फिर दूसरों से भय होने की तो बात ही क्या है। देवी, इस प्रकार मैंने तीन नामों के ही प्रभाव से विष का पान किया था। तत्पश्चात समुद्र मंथन करने पर लक्ष्मी जी की बड़ी बहन दरिद्रा देवी प्रकट हुई। वे लाल वस्त्र पहने थीं। उन्होंने देवताओं से पूछा, मेरे लिए क्या आज्ञा है? तब देवताओं ने उनसे कहा, जिनके घर में प्रतिदिन कलह होता हो वहीं हम तुम्हें रहने के लिए स्थान देते हैं। तुम अमंगल को साथ लेकर उन्हीं घरों में जा बसो, जहां कठोर भाषण किया जाता हो, जहां के रहने वाले सदा झूठ बोलते हों तथा जो मलिन अंतःकरण वाले पापी संध्या के समय सोते हों, उन्हीं के घर में दुख और दरिद्रता प्रदान करती हुई तुम नित्य निवास करो। महादेवी, जो खोटी बुद्धि वाला मनुष्य पैर धोए बिना ही आचमन करता है, उस पाप परायण मानव की ही तुम सेवा करो। कलह प्रिया दरिद्रा देवी को इस प्रकार आदेश देकर संपूर्ण देवताओं ने एकाग्रचित्त हो पुनः क्षीर सागर का मंथन आरंभ किया। तब सुंदर नेत्रों वाली वारुणी देवी प्रकट हुई, जिसे नागराज अनंत ने ग्रहण किया। तदनंतर समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित एक स्त्री प्रकट हुई, जिसे गरुड़ ने अपनी पत्नी बनाया। इसके बाद दिव्य अप्सराएं और महातेजस्वी गंधर्व उत्पन्न हुए, जो अत्यंत रूपवान और सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि के समान तेजस्वी थे। तत्पश्चात ऐरावत हाथी, उच्चैःश्रवा नामक अश्व, धन्वंतरी वैद्य, पारिजात वृक्ष और संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाली सुरभि गौ का प्रादुर्भाव हुआ। इन सबको देवराज इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण किया। इसके बाद द्वादशी को प्रातः काल सूर्योदय होने पर संपूर्ण लोकों की अधीश्वरी कल्याणमयी भगवती महालक्ष्मी प्रकट हुईं। उन्हें देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष हुआ। देवलोक में दुंदुभियां बजने लगीं, वन देवियां फूलों की वृष्टि करने लगीं, गंधर्वराज गाने और अप्सराएं नाचने लगीं। शीतल एवं पवित्र हवा चलने लगी, सूर्य की प्रभा निर्मल हो गई, बुझी हुई अग्नियां जल उठी और संपूर्ण दिशाओं में प्रसन्नता छा गई। तदनंतर क्षीर सागर से शीतल एवं अमृतमयी किरणों से युक्त चंद्रमा प्रकट हुए, जो माता लक्ष्मी के भाई और सबको सुख देने वाले हैं। वे नक्षत्रों के स्वामी और संपूर्ण जगत के मामा हैं। इसके बाद श्री हरि की पत्नी तुलसी देवी प्रकट हुई, जो परम पवित्र और संपूर्ण विश्व को पावन बनाने वाली है। जगन माता तुलसी का प्रादुर्भाव श्री हरि की पूजा के लिए ही हुआ है। तत्पश्चात सब देवता प्रसन्न चित्त होकर मंदराचल पर्वत को यथास्थान रख आए और सफल मनोरथ हो माता लक्ष्मी के पास जा सहस्त्र नाम से स्तुति करके श्री सूक्त का जप करने लगे। तब भगवती लक्ष्मी ने प्रसन्न होकर संपूर्ण देवताओं से कहा, देववरो, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हें वर देना चाहती हूँ, मुझसे मनोवांछित वर मांगो। देवता बोले, संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी, आप हम लोगों पर प्रसन्न हों और श्री विष्णु के वक्षस्थल में सदा निवास करें, कभी भगवान से अलग न हों
तथा तीनों लोकों का भी कभी परित्याग न करें। देवी, यही हमारे लिए श्रेष्ठ वर है। जगन्माता, आपको नमस्कार है, हम आपसे यही चाहते हैं। देवताओं के ऐसा कहने पर श्री नारायण की प्रियतमा लोकमाता महेश्वरी लक्ष्मी ने एवमस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की। तदनंतर क्षीर सागर पर भगवान नारायण और ब्रह्मा जी भी प्रकट हुए। देवताओं ने जनार्दन को नमस्कार करके उनका स्तवन किया और प्रसन्न वदन हो हाथ जोड़कर कहा, सर्वेश्वर, आप अपनी प्रियतमा और महारानी लक्ष्मी देवी को, जो कभी आपसे अलग होने वाली नहीं है, जगत की रक्षा के लिए ग्रहण कीजिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा आदि देवता और मुनियों ने नाना प्रकार के रत्नों से बने हुए बाल सूर्य के समान तेजस्वी दिव्य पीठ पर भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी को बिठाया तथा नेत्रों से आनंद के आंसू बहाते हुए उन्होंने दिव्य वस्त्र, दिव्य माला, रत्नमय आभूषण एवं अप्राकृत दिव्य फलों से उन दोनों का पूजन किया। क्षीर सागर से जो कोमल दलों वाली तुलसी देवी प्रकट हुई थीं, उनके द्वारा उन्होंने लक्ष्मी जी के युगल चरणों का अर्चन किया। फिर तीन बार प्रदक्षिणा और बारंबार नमस्कार करके दिव्य स्तोत्रों से स्तुति की। इससे सर्व देवेश्वर भगवान श्री हरि ने लक्ष्मी सहित प्रसन्न होकर देवताओं को मनोवांछित वरदान दिया। तब से देवता और मनुष्य आदि प्राणी बहुत प्रसन्न रहने लगे। उनके यहाँ धन धान्य की प्रचुर वृद्धि हुई और वे निरोग होकर अत्यंत सुख का अनुभव करने लगे। इसके बाद लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु ने प्रसन्न होकर संपूर्ण लोकों के हित के लिए समस्त महामुनियों और देवताओं से कहा, मुनियों और महाबली देवताओं, तुम सब लोग सुनो, एकादशी तिथि परम पुण्यमयी है। वह सब उपद्रवों को शांत करने वाली है। तुम लोगों ने लक्ष्मी का दर्शन पाने के लिए इस तिथि को उपवास किया है, इसलिए यह द्वादशी तिथि मुझे सदा प्रिय होगी। आज से जो लोग एकादशी को उपवास करके द्वादशी को प्रातःकाल सूर्योदय होने पर बड़ी श्रद्धा के साथ लक्ष्मी और तुलसी के साथ मेरा पूजन करेंगे, वे सब बंधनों से मुक्त होकर मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर सनातन परमात्मा भगवान विष्णु मुनियों के द्वारा अपनी स्तुति सुनते हुए लक्ष्मी जी के निवास स्थान क्षीर सागर में चले गए। वहां सूर्य के समान तेजोमय विमान पर शेषनाग की शैया के ऊपर विशाल लोचना भगवती रमा के साथ रहने लगे। वे देवताओं को दर्शन देने के लिए सदा ही वहां निवास करते हैं। तदनंतर सब देवता कच्छप रूपधारी सनातन भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करके प्रसन्न चित्त हो उनकी स्तुति करने लगे। इससे उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई और वे बोले, देवेश्वरो, तुम्हारे मन में जैसी इच्छा हो वैसा वर मांगो। देवता बोले, महाबली देवेश्वर, आप शेषनाग और दिग्गजों की सहायता के लिए 7 द्वीपों वाली इस पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण कीजिए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर विश्व भावन भगवान ने बड़ी प्रसन्नता के साथ कहा, एवमस्तु, ऐसा ही हो। तब से उन्होंने 7 द्वीपों सहित पृथ्वी को अपनी पीठ पर धारण किया। तदनंतर महर्षियों सहित देवता, गंधर्व, दैत्य, दानव तथा मानव भगवान की आज्ञा ले अपने अपने लोक को चले गए। तब से ब्रह्मा आदि देवता, सिद्ध, मनुष्य, योगी तथा मुनि श्रेष्ठ भगवान की आज्ञा मानकर बड़ी भक्ति के साथ एकादशी तिथि को उपवास और द्वादशी तिथि को भगवान का पूजन करने लगे।